अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। रखने का उद्देश्य है कि पत्रकारों के अधिकारों को शासन स्तर तक पहुंचाना और उनको उस स्तर की जो सुविधाएं हैं और जनता के बीच में हम लोग रह कर के जनता की समस्याओं को ग्रामीण स्तर से 80% हम लोग भेजते हैं उसके एवज में ग्रामीण पत्रकारों को अभी तक वेतन भत्ते और मान्यता की बात नहीं आई है। इन सारी बातों को लेकर हम लोग ये सम्मेलन आज से नहीं कई सालों से कराते चले आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष सम्मेलन हो रहा है और सबको सम्मानित करने का काम किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में आप पत्रकारों के किसी अन्य पत्रकार संगठन में इस तरह के कार्यक्रम को नहीं देखते होंगे और टाइम से चलते हैं। इसमें तमाम हाई कोर्ट के जज आ चुके हैं, राज्य सूचना आयुक्त आ चुके हैं, DMSP DIG कमिश्नर रहते हैं और आज आपने देखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लुहा भी आए हैं और उन्होंने बड़ी जोरदार ढंग से मतदाताओं के बारे में कहा है, प्रजातंत्र के मजबूती में पत्रकारों के योगदान के बारे में बात किया है कि पत्रकार किस तरह से प्रजातंत्र को मजबूत कर सकते हैं। DM ने आपको सम्मानित किया तो आपको कैसा लगा? जी, बड़ा अच्छा लगा। जिलाधिकारी और SSP महोदय जी ने हमको सम्मानित किया और हम लोग हर अच्छी पत्रकारिता करने के लिए हमको सम्मान मिला है। हम अमर उजाला अखबार से हैं और हमारा ये संगठन है, हम अपने पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। जो गांव-गांव के पत्रकार हैं बेचारे खबरें करते हैं, उनको क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए, हमारा संगठन इसके लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक ही लगा। कब से इस फील्ड में जुड़ी हैं आप? न्यू, पहली बार आज। और सम्मेलन की विशेषताएं क्या थी? ठीक थी, कुछ नहीं ठीक थी। अब जैसे पहली चीज़ किसी को सम्मान दिया जा रहा तो कम से कम ताली तो बजाओ। दो आदमी की ताली बजने से थोड़ी कम रख बजता है, कम से कम इतनी पब्लिक बैठी है पूरा हॉल गूंज जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आराम से सब बैठे हैं जैसे लग रहा है कि कहीं